शांति। चलिए। तो आज का हमारा जो विषय है, हम अभी अभी बहुत प्यारा सॉन्ग सुन रहे थे कि कैसे हम अपने विचारों से, अपने संकल्पों से वातावरण को चेंज कर सकते हैं, विश्व की आत्माओं को चेंज कर सकते हैं और पूरे विश्व को चेंज कर सकते हैं। आज तक जो भी संत महात्माएं गुरु हुए हैं, उन्होंने हमें तो कर्मों का महत्व सिखाया है कि आप अच्छे कर्म करो तो अच्छा होगा, सेवा कीजिए, औरों की सेवा करेंगे आपको खुशी मिलेगी, अच्छे बोल बोलो तो आपको खुशी मिलेगी, आप औरों को भी परिवर्तन कर सकते हैं। कई आत्माएं हैं, उन्होंने कहा कि आपके विचार अच्छे रखो, यहां तक कहा तो आप सुखी रहेंगे, लेकिन जो हमारे संकल्प है, जो हमारी थॉट पावर है, वो क्या क्या कर सकती है, ये हमें सिर्फ बाबा ने बताया है। तो मनसा सेवा द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें बाबा ने बहुत अच्छी तरह से बताया है। तो मनसा सेवा अर्थात अपने मन द्वारा, अपने मन के संकल्पों द्वारा, विचारों द्वारा सेवा करना, अपनी थॉट पावर या माइंड पावर द्वारा सेवा करना, उसे हम कहते हैं कि मनसा सेवा। तो बाबा ने हमें कितने प्रकार से हम सेवा करते मिस कर सकते हैं ये बताया है कि जहां हम रहते हैं उस स्थान का वायुमंडल, अर्थात हम घर पे रहते हैं या फिर सेंटर पे रहते हैं, तो सेंटर का वायुमंडल हम परिवर्तन कर सकते हैं। फिर जो आत्माएं हैं जिनके साथ हम रहते हैं, हमारे संबंध संपर्क वाली आत्माएं, हमारे परिवार की आत्माएं, उनकी हम सेवा अपनी माइंड पावर से, मनसा संकल्प द्वारा कर सकते हैं। फिर वो आत्मा भले अपने साथ रहने वाली हो या फिर वो बहुत दूर रहने वाली हो, बहुत दूर भी अगर रहती है तो भी हम अपने मनसा संकल्पों से उसे बाबा का संदेश दे सकते हैं, उसका संस्कार परिवर्तन कर सकते हैं। विश्व की सेवा ना, विश्व की सर्व आत्माओं की सेवा हम कर सकते हैं, साथ साथ प्रकृति की सेवा हम कर सकते हैं, पांच तत्वों की सेवा कर सकते। तो कितने प्रकार से हम अपने थॉट पावर से, अपनी मनसा शक्ति द्वारा हम कर सकते। तो देखिए, अगर हम कोई भी सेवा करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो हमें कुछ साधन सामग्री लगती है। अगर हमें कहाँ एग्जीबिशन लगानी है तो हमें पिक्चर्स लगेंगे, पोस्टर्स लगेंगे, जगह लगेगी, या फिर हमें कुछ सेमिनार अरेंज करना है तो वहां हमें एक हॉल लेना पड़ेगा, माइक लगेगा, लाइट सिस्टम लगेगी। तो उसी तरह अगर हमें मनसा सेवा करनी है तो हमें कुछ साधन सामग्री की आवश्यकता होती है। उसमें फर्स्ट है एकाग्रता, एकाग्रता की शक्ति। एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में स्थित होना, लंबे समय तक एक ही संकल्प में स्थित होना, यही एकाग्रता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, ये संकल्प अगर हम लेते हैं तो उसमें ही स्थित रहना, लेकिन ऐसा नहीं कि उसे मन में रटते रहना ना, कुछ समय तक हाँ हम रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं तो मेरा स्वरूप क्या है, मेरे गुण क्या है, मेरे कर्तव्य क्या है, इस अनुभूति में खो जाना, एकाग्र होना, इसे ही कहते हैं एकाग्रता। जितना हम एकाग्र होंगे उतना ही हमारी माइंड पावर, मनसा शक्ति बढ़ती जाएगी। फिर है एकांतवासी। एकांतवासी के वैसे दो अर्थ है, एक स्थूल तौर पर है कि जहां आवाज नहीं है, हलचल नहीं है,
ऐसी जगह से दूर एकांत में जहां शांति है, हलचल नहीं है, ऐसे स्थान पर बैठकर हम एक तो आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए और दूसरा है बाबा की याद में ही खोए रहे। तो एकांत अर्थात एक के अंत में खो जाना, बाबा का नाम रूप गुण कर्तव्य इसी में ही खोए रहना, बस मैं पॉइंट ऑफ लाइट और बाबा पॉइंट ऑफ लाइट। तो एकांतवासी। फिर है अंतर्मुखता। तो अंतर्मुखता का भी वास्तविक दो अर्थ है। वैसे एक स्थूल तौर पर अंतर्मुखता मीन्स वाणी से परे जाना, कम से कम बात करना या बात न करना, या अनावश्यक जो बातें हैं वो न करना, इसे हम कहते हैं अंतर्मुखता। तो जितना हम अपनी वाणी को विराम देंगे, जितना हम कम बोलेंगे, उतनी हमारी मनसा शक्ति बढ़ती जाती है। हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक तौर पर उसमें है ना, जो भी हमारे फाइव सेंसेस है उसमें कुछ कमी है, फॉर एग्जाम्पल कोई सुन नहीं सकता है, तो उसमें ये पावर आ जाती है कि वो बहुत अच्छी तरह से सामने वाले व्यक्ति का भले सुन ना सके लेकिन वो इंटरप्रिट कर लेता है कि उसे क्या कहना है। उसका थर्ड सेंस जागृत हो जाता है। तो थर्ड सेंस मीन्स माइंड पावर, अपनी आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है। अगर कोई व्यक्ति देख नहीं पा रहा है, ब्लाइंड है, तो जो व्यक्ति देख सकता है उसके कंपैरिजन में वो बहुत अच्छी तरह से इंटरप्रिट कर लेता है, वो चीजें अच्छी तरह से वो कर भी लेता है, वो कुकिंग भी कर लेता है। भी हम आत्माएं जो देख सकती है, क्या हम अपनी आंखें बंद करके कुक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन ब्लाइंड व्यक्ति कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो यहां से उसकी एनर्जी जो है वो नहीं जा रही है, तो उसका थर्ड सेंस ना, उसका माइंड पावर बढ़ गई है। तो उसी अनुसार अगर हम वाणी को विराम दें, क्योंकि वाणी के थ्रू हमारी शक्ति जाती है, बाहर जाती है, तो अगर वेस्ट बात करेंगे, व्यर्थ बातें करेंगे तो बहुत जाएगी शक्ति, और फिर हमारी माइंड पावर वीक हो जाएगी। हाँ, अगर हम कुछ ज्ञान की बातें कर रहे हैं, ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, तो भले ही हमारी शारीरिक शक्ति हम उसे यूज कर रहे हैं, लेकिन बाबा से हमें बहुत शक्ति प्राप्त कर रही है, क्योंकि हम बाबा की याद में हैं। ज्ञान की बातें करना अर्थात बाबा की बातें करना है ना, तो बाबा के साथ जुड़ना, वो शक्ति हम में आती है। लेकिन जब हम व्यर्थ बातें करते हैं, फालतू की बातें करते हैं, परचिंतन की बातें करते हैं, तो हमारी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है, और जैसे हम बोल को विराम देंगे हमारी माइंड पावर बढ़ती जाएगी। फिर है कि हमें निस्वार्थ सेवा भाव चाहिए हमेशा, है ना। मनसा सेवा अगर हमें करनी है तो निस्वार्थ सेवा भाव चाहिए। तो क्यों? क्योंकि जब हम कुछ करते हैं और उसके पीछे कुछ स्वार्थ हमारा छिपा है, भले ही सूक्ष्म स्वार्थ का क्यों ना हो, कि हम मुझे मान मिले, मेरा नाम हो, मुझे सब रिस्पेक्ट दे, ऐसे सूक्ष्म भी अगर कुछ आस रहती है ना, स्वार्थ हमारा रहता है, या फिर कुछ स्थूल स्वार्थ भी, तो भी हमारी एनर्जी जो है वो ड्रेन होती है। हम देखते हैं दुनिया में भी, भले वो बाबा के बच्चे नहीं है, लेकिन अगर कोई महात्मा है बहुत निस्वार्थ भाव से वो सेवा करता है, तो उसके संकल्पों में ताकत आ जाती है, उसके वाणी में भी ताकत आ जाती है। तो इस तरह हम अगर निस्वार्थ भाव से सेवा करें तो हमारी माइंड पावर, हमारी मनसा शक्ति निश्चित तौर पर बढ़ेगी। साथ साथ हमें हरेक के प्रति रहम भाव चाहिए, उपकार की भावना चाहिए।
और देने की भावना चाहिए, हर समय हमें देने की भावना चाहिए, क्योंकि हम दाता के बच्चे दाता है। तो जब हम हरेक को देते हैं तो हमें रिटर्न में भी मिलता है, जो हम देंगे वही हमें रिटर्न में मिलता है और कई गुना मल्टीप्लाई होकर मिलता है। इसके लिए बस एक ही रहे कि बस मुझे देना है देना है देना है। जो बाबा के बच्चे हैं वो अपने तरीके से ज्ञान तो हरेक को देते ही है, लेकिन साथ साथ हमें सबको सुख देना है, स्नेह देना है, सहयोग देना है। हमेशा हमारी यही भावना हो कि ये व्यक्ति सुखी रहे, हमारे संकल्प बोल कर्मों द्वारा हमें हरेक को खुशी देनी है, अलौकिक आत्मिक स्नेह देना है, हरेक को सहयोग देना है। और ये कब हो पाएगा? जब हम में रहम की भावना, दया की भावना, उपकार की भावना होगी। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, हम बहुत उसे खुशी दे रहे हैं अपने बोल द्वारा, कृति द्वारा, लेकिन वो हमेशा क्रोध करता है, गुस्सा करता है या फिर हमारी इंसल्ट करता है, तो क्या हम उसे हमेशा सदा खुशी सहयोग दे पाएंगे? नहीं। तो उसके लिए हमें फिर रहम की भावना चाहिए, दया की भावना चाहिए। कोई व्यक्ति हमारे परिवार में है, भले वो लौकिक या फिर अलौकिक परिवार में हो, लेकिन अगर हम उसके प्रति दया की भावना रखते हैं कि नहीं, ये हमारे परिवार का सदस्य है, बाबा का बच्चा है, लेकिन ये थोड़ा सा परवश है, मुझे इसे भी अच्छा करना है, इसे भी ऊंचा उठाना है, ये अगर हम में भावना है, या फिर विश्व के आत्माओं प्रति कि सभी बाबा के बच्चे भले तमोगुणी है, विकारी है, लेकिन सब बाबा के बच्चे हैं, एक विश्व परिवार है, ये भावना हमेशा अगर हम में रहती है तो ही हम औरों को दे पाएंगे। लेकिन औरों को देने के लिए खुद के पास स्टॉक चाहिए, राइट? अगर हमारे पास स्टॉक नहीं है तो हम क्या दे पाएंगे औरों को, राइट? तो हमारे पास जो है ना शांति, सुख, शक्ति, इसका स्टॉक में तो ज्ञान भी है, तो सबसे पहले ज्ञान है। ये जो गुण और शक्तियां है, इसका स्टॉक हमें कैसे भरेगा? तो बहुत सिंपल ट्रिक है। बाकी है ना, कोई नया है, बच्चे है या फिर कोई लिखा पढ़ा भी नहीं है, फॉरेंसिक उसे कुछ नहीं पता क्या करना है, तो सिर्फ वो बाबा की मुरलिया, बाबा की अव्यक्त वाणी, साकार वाणी, बस पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, सुनते रहे, जो महारथी आत्माओं के क्लासेस है, दादियों के क्लासेस है, वो सुनते रहे सुनते रहे, तो क्या हो जाएगा? वो जो गुण शक्तियां है जो मुरली में है, सब कुछ यहाँ समाते जाए। हम बहुत बार देखते हैं ना कि बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उसे वो जेल में है, लेकिन जेल में जाकर वो बहुत अच्छी तरह से रोज कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ता है, सुनता है, तो वो भी परिवर्तन हो जाता है, वो भी एक बड़ा अच्छा लेखक बन जाता है। हमारे यहाँ तो एक बड़ी जेल है, वहां पे भी सेवाएं चलती है, तो हमने देखा है कि लोग कैसे परिवर्तन हो जाते हैं, सिर्फ पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ते हैं, इतने सालों तक पढ़े हम तो ऑटोमेटिकली हमें वो गुण बढ़ते जाएंगे और शक्तियां भी, जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतनी शक्तियां भी हमें भरती जाएगी। तो इस तरह अगर हमें स्टॉक है गुण शक्तियों का, तो हम अपने माइंड पावर द्वारा औरों को दे सकते हैं। लेकिन जैसे बाकी सेवाएं करने के लिए साधन लगते हैं, वैसे हमें कुछ मनसा सेवा के साधन है उसे जानने की आवश्यकता है।
तो एक तो है कि अपनी श्रेष्ठ संकल्प शक्ति, हमारी पावरफुल माइंड पावर, मनसा शक्ति, हमारी श्रेष्ठ संकल्प। श्रेष्ठ मीन्स उच्च, अर्थात वेस्ट भी नहीं, साधारण भी नहीं, लेकिन उच्च संकल्प, महान संकल्प। तो ये अगर हमें प्राप्त करना है कि कैसे हम श्रेष्ठ संकल्प करें, जैसे ही मैंने आपको अभी कहा कि बाबा की मुरलियां सुननी है, तो बाबा की जो भी अव्यक्त वाणी है, साकार वाणी है, हर वाक्य, हर वर्ड जो है वो हमारे लिए एक श्रेष्ठ संकल्प है, प्योर संकल्प है। तो हम जो भी संकल्प करें, हम निगेटिव ना करें, सकारात्मक रखें उसको एक तो, और कभी भी कल्याण का सोचे, हर एक के कल्याण का सोचे। कोई कार्य भी हो तो निगेटिव नहीं, ना अच्छा ही होगा, बाबा का कार्य है ये तो सफल होना ही है, ये संकल्प। और कोई व्यक्ति के बारे में भी, हर एक के बारे में हम श्रेष्ठ ऊंचा सोचे, तो श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। सेकंड है कि हमारी साइलेंस पावर, शांति की शक्ति। जितना हम शांति की अनुभूति में रहेंगे, शांत स्वरूप बनते जाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारी जो माइंड पावर है वो बढ़ती जाएगी। हम लौकिक तौर पर भी देखते हैं, जो साइंटिस्ट है वो भी, उनको कुछ इन्वेंशन करना है, सोचना है, तो वो साइलेंस हो जाते हैं। एक तो स्थूल तौर पर भी लोगों से दूर एकांत में बैठते हैं और शांति में बैठते हैं और फिर विचार करते हैं और फिर उनके माइंड से नए नए इन्वेंशन आते हैं। तो देखिए, इसका जो बेसिस है वो भी शांति की शक्ति है, साइलेंस पावर है। जो भी लास्ट 200 ईयर्स में, खास करके लास्ट 100 ईयर्स में जो भी इन्वेंशंस हुए हैं, उसके बेसिस, उसका बेसिस भी क्या है, शांति की शक्ति। और बाबा तो सिर्फ इस एक शक्ति द्वारा ना, साइलेंस पावर द्वारा पूरे विश्व को परिवर्तन करते हैं। तो इस सृष्टि का जो डिस्ट्रक्शन है ना, जो विनाश है, वो भी एक तरह से जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं वो भी शांति में बैठकर करते हैं, और बाबा भी शांति की शक्ति से ही पूरा विश्व परिवर्तन करते हैं। तो इतनी पावर इस शांति की शक्ति में है। फिर है कि हमारी शुभ भावना और शुभ कामना, हर एक के प्रति हमारी शुभ भावना हो, है ना, गुड विशेष हो और शुभ कामना हो कि हर एक का अच्छा हो, हर व्यक्ति का अच्छा हो, सब कुछ कल्याणकारी हो, मंगलमय हो, यही भावना हमारी मन में सदा होनी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बैठकर मनसा सेवा ना भी करे, वो सिर्फ अच्छी भावनाएं रखे मन में हर एक के प्रति, तो ऑटोमेटिकली वो जो भावनाएं हैं वो फैलती है। मेरे पर्सनल तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है कि कैसे मैंने हर एक के प्रति शुभ भावना द्वारा वो व्यक्ति भी परिवर्तन हो गए, उसकी भावना हमारे प्रति परिवर्तन हो गई। कुछ मैंने ना सेवाएं शुरू की तो थोड़ा कुछ, है ना, हुआ तो वो सेवाएं उस माध्यम से नहीं हुई, लेकिन मेरे मेरी सेवाएं शुरू रही। तो मुझे 1 साल के बाद में उस आत्मा का फोन आया कि अरे मैंने आपको ये कहा था, मुझे भी फील हो रहा है, क्या आपको बुरा लगा? मैंने बोला बिल्कुल नहीं, मैं तो भूल भी गया। डिटेल में तो मैं, है ना, कहना नहीं चाहूंगा ये बातें, लेकिन सही में लोग परिवर्तन हो जाते हैं। हाँ, भले टाइम लगता है, 1 साल लगेगा, 5 साल लगेंगे। कुछ कुछ आत्माएं जो ऐसी है जो ईर्ष्या द्वेष करती हो, करती रहती है, करती रहती है, लेकिन अगर हम उसके बारे में एक भी निगेटिव संकल्प ना करें, तो वो कुछ सालों के बाद में परिवर्तन हो जाती है, हमारे पास आती है, रोती भी है कि हमसे गलती हो गई। इतनी शक्ति इन भावनाओं में है। तो हमें हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कुछ भी हो जाए,
फिर है कि हमारी वृत्ति, हम अपनी वृत्ति से परिवर्तन कर सकते हैं, मनसा सेवा कर सकते हैं। अभी वृत्ति अर्थात उसके दो अर्थ है एक्चुअली वृत्ति के। अगर हम उसका शब्दार्थ ले, है ना, तो जो लेमैन लैंग्वेज है उसमें हम कहते हैं कि इंटेंशन, राइट, दृष्टिकोण। हर एक के प्रति हमारा दृष्टिकोण जो है, इंटेंशन जो है, वो हमेशा अच्छा हो। तो मैं तो इस बात को पल पल अनुभव करता हूं, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं। तो आजकल आप देख रहे हैं कि डॉक्टर के प्रति लोगों की भावनाएं क्या है, लोग क्या सोचते हैं। लेकिन मैं हर एक को, है ना, मेरा इंटेंशन हमेशा एकदम प्योर रहता है। उसे मैं कुछ एडवाइस दू, बहुत प्योर, हाँ, प्योर इंटेंशन रहता है। तो उसे वो फील होता है, वो कहता है कि डॉक्टर मैं आप, है ना, इतने लोगों के पास गया, लेकिन मैं जब भी आपके पास आया तो मुझे सही एडवाइस मिला और यही मैं फॉलो करूंगा। हम पल पल ये अनुभव करते हैं, तो हमारा इंटेंशन। लेकिन बाबा जो मुरली में यूज करते हैं वृत्ति, तो दोनों तरीके से बाबा यूज करते हैं, लेकिन मेजोरिटी टाइम बाबा जो वृत्ति के बारे में कहते हैं, तो वृत्ति मीन्स इंटेंस फीलिंग, हमारी तीव्र भावनाएं। जब हमारे मन में इंटेंस फीलिंग उत्पन्न होती है तो रिपल्स उत्पन्न होते हैं उससे ना। इंटेंस फीलिंग के साथ में रिपल्स, रिपल्स अर्थात तरंगे, एक लहरें, बहुत सूक्ष्म लहरें हमारे मन में जो है उत्पन्न होती है, और वही औरों को फील होती है। सामने वाली व्यक्ति जो है वही फील करती है, तभी उसे पता पड़ता है कि नहीं, इस व्यक्ति की भावना मेरे प्रति बहुत अच्छी है। और फिर वृत्ति के बाद में वाइब्रेशंस, हमारे प्रकंपन। तो प्रकंपन फिर वातावरण में फैलते हैं। तो जो हम सेवा है, जो मनसा सेवा है, बाबा कहते हैं कि आपको आपके वाइब्रेशंस द्वारा मनसा सेवा करनी। तो वाइब्रेशंस द्वारा हम ना किसी स्थान की कर सकते हैं, कोई कार्य है उसकी सफलता के लिए कर सकते हैं, कोई आत्मा की, जो क्लोज आत्मा है, उसकी सेवा हम कर सकते हैं, या दूर बैठी हुई आत्माओं की भी हम सेवा कर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि वायरलेस सेट, तो उसकी भी हम सेवाएं कर सकते हैं। और फिर है वातावरण, राइट, वायुमंडल। तो जो हमारे वृत्ति वाइब्रेशंस निकलती है, वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन निकलते हैं और फिर वातावरण में फैलते हैं, तो वो वातावरण जो है वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है। हम देखते हैं ना, हम जब मधुबन जाते हैं तो हम क्या फील करते हैं, खासकर नए लोगों को हम ले जाते हैं तो उन्हें बहुत ही वहां का वातावरण अलौकिक लगता है, राइट। मधुबन की बात है, हर सेंटर की बात ले लो, कोई भी आता है तो शांत हो जाता है। यहाँ तक कि हर ब्राह्मण आत्मा के घर की बात, कोई व्यक्ति हमारे घर में आता है ना तो क्या कहता है कि आपके घर में आके बहुत अच्छा लगा, क्या वाइब्रेशन है आपके घर की। वो क्यों? क्योंकि यहाँ हम पावरफुल हैं और वो वातावरण में फैल रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति को बाकी मनसा सेवा ना भी आए, वो प्रैक्टिकली वो ना भी करे, तो भी अगर वो अपनी वृत्ति से, वाइब्रेशन से, अपनी शुभ भावना से वातावरण बना लेता है, तो ऑटोमेटिकली सेवा हो जाती है। हम कई बार देखते हैं ना कि भंडारे में, मधुबन के भंडारे में बहुत भोली भाली आत्मा है, उनको लिखना पढ़ना भी नहीं आता है ना, उनकी जो रिपोर्टर्स है वो इंटरव्यू लेते हैं, राइट। वो फील करते हैं कि यहाँ का वातावरण, इसके वाइब्रेशंस, है ना, तो फील करते हैं, तो हमारी ऑटोमेटिकली सेवा हो जाती है, भले हम कॉन्शियसली सेवा ना भी करें। तो इस तरह से इन साधनों से हम मनसा सेवा कर सकते हैं। और बाबा ने तो हमें कितनी सारी विधियां भी बताई है और उसका महत्व भी बताया। तो मनसा सेवा का इतना महत्व बाबा कहते हैं क्योंकि अभी जो समय है ये बहुत क्रिटिकल टाइम है, बहुत नाजुक समय है, अभी ऑलरेडी शुरू हो चुका है ना। बाबा ने तो कहा था कि नाजुक समय आएगा, वो ऑलरेडी आ चुका है। हमने कोविड में देखा है अभी कि जब हम वाणी से या फिर साधनों से सेवा नहीं कर पाएंगे, राइट, कोविड में क्या हुआ कि ठीक है ना, इंटरनेट तो शुरू था, सब कुछ बंद था, लेकिन इंटरनेट तो शुरू था, तो साधन तो अवेलेबल थे, तो उसके द्वारा बहुत सारी सेवाएं,
है ना, वो भी एक वरदान साबित हुआ, राइट। एक अलग एंगल से देखे तो कि सेवाएं बहुत हुई, तो वैसे ही, लेकिन ये आगे जाके नहीं होगा सब कुछ, राइट। आगे जाके और समय जो है वो नाजुक आने वाला है, तो साधन है वो भी बंद हो जाएगा। तो जब हम वाणी से अर्थात अपने बोल से और साधनों से सेवा नहीं कर पाएंगे, तो एक मात्र साधन होगा, वो है मनसा सेवा। और ये जो मनसा सेवा है, ये बहुत है ना सूक्ष्म सेवा है, और जितना सूक्ष्म उतना पावरफुल। अभी हम कुछ कर्म करते हैं, कोई हमें देखता है कि अच्छे कर्म कर रहे हैं, राइट, वो एक हो गया। सेकंड है कि वाणी, तो कर्मों से सूक्ष्म है वाणी। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या आप उसे देख पा रहे हैं? नहीं, राइट। अगर हम एक हॉल में बैठे हैं तो नहीं देख पाएंगे, अभी तो हमने साधन यूज किए हैं तो देख नहीं पा रहे, लेकिन वो जो वाइब्रेशन है, वो सूक्ष्म वेव्स है, वो आप तक पहुंच रही है, आपके कान उसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, राइट। जो हमने हम कर्त फिजिकली करते हैं, हम आंखों से देखते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, जो हम कानों से सुनते हैं वो, हाँ, जो हम बात कर रहे हैं, बोल कर रहे हैं, तो हमारे कान इंटरप्रेट करते हैं, या फिर ब्रेन, ब्रेन और ईयर्स दोनों साथ मिलकर के इंटरप्रेट करते हैं। और फिर जो हम संकल्प करते हैं वो हमारा माइंड इंटरप्रेट करता है, हमारे संकल्पों से वो लहरें पहुंचती है और हमारा जो संकल्प शक्ति है हमारे हर एक व्यक्ति की, वो उसे इंटरप्रेट करता है। तो देखिए, जितना सूक्ष्म उतना पावरफुल, क्योंकि हमें वाणी से अगर बात करनी है, किसे हमें कम्युनिकेट करना है, तो हमें क्लोज रहना जरूरी है, या फिर कुछ साधन की आवश्यकता है, जैसे आज हम कर रहे हैं। लेकिन जो मनसा शक्ति है, बाबा कहते हैं कि वो सबसे पावरफुल भाषा है, संकल्पों की भाषा सबसे पावरफुल भाषा है, जिसे हमें क्लोज रहने की आवश्यकता नहीं है, बहुत दूर भी है तो भी हम सेकंड में उस तक पहुंच सकते हैं, उस आत्मा तक हम पहुंच सकते हैं। फिर है कि हम वातावरण, कैसे वातावरण मनसा शक्ति द्वारा चेंज हो जाता है। अभी अगर हम किसी को ज्ञान देते हैं, तो जो वाणी से हम बात करते हैं तो वो सुनता है, माइंड में ग्रहण भी करता है, लेकिन वो फॉलो करे ही ये बात नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जो वाणी का तीर है ना, वो कानों तक आता है या फिर दिमाग तक पहुंचता है, उसके मन तक पहुंचेगा लेकिन दिल तक नहीं पहुंचता। तो अगर हम सेवाएं दोनों टाइप से करें, वाणी से भी करें, मनसा से भी करें, तो जो मनसा सेवा का तीर है, जो संकल्पों का तीर है, वो दिल तक पहुंचता है, क्योंकि दिल मींस क्या, हम डीपली उसके बारे में है ना सोच रहे हैं एक तो, और बहुत स्नेह से, बहुत प्यार से हमें लग रहा है कि ये आत्मा बाबा की बन जाए। तो इस तरह से अगर हम सेवा करते हैं तो वो जो तीर निकला है वो उसके दिल तक पहुंचता है। और आजकल हम देख रहे हैं ना कि लोग बहुत सुनना नहीं चाहते, बहुत थक गए सुन सुन करके, तो उन्हें अनुभूति की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे ही आत्मा अपने सेंटर पे आती है, एक बार अनुभूति कर लेगी फिर कभी भूलेगी नहीं, है ना। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो भूल भी जाता है, लेकिन जो हम अनुभव करते हैं वो भुलाए नहीं भूलता। इसके लिए हमें अगर लोगों को अनुभूति करानी है, जो आप सभी कराए भी रहे हो, राइट, तो उसके लिए हमें मनसा शक्ति की आवश्यकता है, हमें मनसा सेवा करने की आवश्यकता है। फिर है कि हम लोगों को, मिस आत्माओं को परिवर्तन कैसे करें, हम आत्माओं को जो हमारे साथ में रहते हैं, जो हमारे अलौकिक लौकिक परिवार की आत्माएं हैं, उनको भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। अगर किसी का स्वभाव संस्कार ठीक नहीं है, अगर वो व्यक्ति हमसे ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा है, बार बार हमें
नीचे दिखाता है, इंसल्ट करता है, ऐसे कोई व्यक्ति है, राइट, अवगुणी तमोगुणी व्यक्ति है, उसे भी हम अपने मनसा शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को चेंज करने के लिए और कोई साधन है नहीं, हम सब कुछ तो ट्राई कर लिया फिर भी नहीं परिवर्तन हो रहा है व्यक्ति, तो हम बस उसे अच्छे वाइब्रेशंस दे, तो अपने वाइब्रेशंस द्वारा वो व्यक्ति धीरे 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 परिवर्तन होने लगता है। और साथ ही साथ फिर अगर कोई व्यक्ति दूर बैठा है, दूर भी हो तो भी अगर हमें बाबा का संदेश उस आत्मा तक पहुंचाना है तो भी हम पावरफुल संकल्प करें कि ये बाबा का बच्चा है, इसे तो बाबा का बनना ही है, उसे बाबा से शक्ति लेकर हम उस आत्मा तक पहुंचाए। बाबा कहते हैं ना कि हमारी जो बुद्धि है, माइंड है, मन बुद्धि है, वो एक वायरलेस सेट है, तो उसके द्वारा हम अपने संकल्प उस आत्मा तक पहुंचाए तो धीरे धीरे वो आत्मा भी परिवर्तन होने लगती है। और फिर है कि पूरे विश्व की आत्माओं को भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। अभी हम वाणी द्वारा कितने आत्मा तक पहुंचेंगे, अभी तो सोशल मीडिया भी है जो हमारी वाणी की शक्ति है उसे मल्टीप्लाई करने के लिए, लेकिन फिर भी हम हर एक आत्मा तक तो पहुंच नहीं सकेंगे। तो विश्व की हर एक आत्मा की अगर हमें सेवा करनी है तो बस एक ही माध्यम है, वो है मनसा शक्ति। और इतनी सारी आत्माएं हैं, उनको अगर हमें परिवर्तन करना है, उनकी जो भटकी हुई बुद्धि है, जो भटक रहे हैं, जो अच्छे ज्ञान नहीं है, उन्हें अगर हमें अगर एकाग्र करना है, उन्हें अगर हमें शांत करना है, तो बस एक ही माध्यम है, वो है मनसा सेवा। और फिर साथ ही साथ पूरे विश्व को अगर परिवर्तन करना है तो आत्माओं को और फिर प्रकृति को भी, पांच तत्वों को भी, जैसे आत्मा है तमोगुणी हो गई है वैसे प्रकृति भी तमोगुणी हो गई है, पांच तत्व भी प्रदूषित हो गए हैं। तो जैसे हम मनसा शक्ति से आत्माओं को परिवर्तन करेंगे वो आत्मा सतोगुणी बनेगी, लेकिन जब सतयुग आएगा तो हमारा जो फर्नीचर है अर्थात जो प्रकृति है, निसर्ग है, उसे भी हमें वहां पे भी जो है निसर्ग होगा वो भी परफेक्ट होगा, प्योर होगा, जो प्रकृति है वो सत्व प्रधान होगी। तो उसके सेवा भी करने के लिए बस एक ही माध्यम है, मनसा सेवा, अपनी संकल्प शक्ति। तो इस तरह से हम अनेक सेवाएं कर सकते हैं। तो बाबा ने तो हमें कितनी सारी विधियां भी इसकी बताई कि इतनी अगर सेवाएं हमें करनी है तो आपको किस तरह से वो करनी। तो देखिए, एक तो है कि हमारी संकल्प शक्ति, कि हमारा हर संकल्प, हर विचार वो शुभ हो, वो श्रेष्ठ हो, मंगलमय हो, हर एक को खुशी देने वाला। हम एक भी संकल्प ऐसा ना करें, नेगेटिव ना करें कि ये आत्मा ऐसी है, ये तो कभी सुधरेगी नहीं, ये तो कुछ होगा, कोई कार्य भी कर रहे हैं तो ये तो नहीं होने वाला, ऐसा हम एक भी संकल्प ना करें। मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि अगर हम अपने संकल्प पर ध्यान देते हैं, नेगेटिव संकल्प नहीं करते हैं, तो हमें सिद्धि जरूर प्राप्त करती है, हमें सिद्धि प्राप्त जरूर होती है। तो हमारा संकल्प जो हो वो हर संकल्प श्रेष्ठ हो। फिर कभी हम एकांत में जाकर शांत स्वरूप अवस्था में बैठ जाए, अपना कनेक्शन जो है वो हम शांति के सागर बाबा से जोड़े। जैसे ही कनेक्शन जुट जाएगा हम शांति की शक्ति से भरपूर हो जाएंगे, साइलेंस पावर से भरपूर हो जाएंगे।
तो हमारी स्थिति ऐसी बन जाएगी कि हम खुद टावर ऑफ पीस, शांति स्तंभ बन जाएंगे। अभी स्तंभ इसका अर्थ ये है कि आपकी स्थिति वैसी है ना, आपकी स्थिति इतनी पावरफुल शांति की शक्ति में आप सबसे पावरफुल है ना। बाबा शांति का सागर, आप मास्टर शांति के सागर, इतनी पावरफुल आपकी स्टेज, उसे हम कहते हैं कि टावर ऑफ पीस। तो वैसे हम बनकर पूरे विश्व में हम शांति के प्रकंपन फैला। फिर कभी हम बाबा जैसे ही है ना, मास्टर ज्ञान सूर्य या फिर मास्टर पवित्रता के सूर्य बनकर विश्व के आकाश में पहुंच जाए और पूरे विश्व में ये शांति शक्ति और पवित्रता की किरणें फैला। जैसे सूर्य ऊपर होता है एक स्थान पर होकर, वो हर जगह अपना प्रकाश फैलाता है, वो कभी भी पार्शियलिटी नहीं करता कि ये व्यक्ति ऐसा है, इसने ऐसा किया है तो मैं उसे प्रकाश न दूं, अपनी किरणें न दूं। जो व्यक्ति उन किरणों के नीचे आ जाता है उसे शक्तियां मिलती ही है। वैसे ही बाबा भी है, बाबा परमधाम में बैठकर, ज्ञान सूर्य बाबा परमधाम में बैठकर उसकी सारी शक्तियां जो है वो पूरे विश्व में फैलाता है। तो उसी तरह हम भी मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर पवित्रता के सूर्य बनकर सारी जो विश्व में अशुद्धि है उसे एक तो खत्म करें और सबको अपनी किरणों द्वारा शक्ति दे। ये जो शक्ति कैसे एक्ट होती है उसका हम जो है ना प्रैक्टिकल या फिर साइंस हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं, राइट। तो नेक्स्ट है कि हम कभी है ना फरिश्ता बनकर, महादानी वरदानी बनकर हम पूरे विश्व का चक्र लगाए, हर आत्मा को हम वरदान दे, सबको अपने वाइब्रेशंस द्वारा, अपने शक्तियों द्वारा हर एक को शक्तियां दे, गुण दे। तो ऐसे अगर हम पूरे विश्व का चक्र लगाएंगे तो एक तो हम में भी पावर आ जाती है और पूरे विश्व की सेवा हो जाती है अपने फरिश्ता स्वरूप द्वारा। फिर हम कभी एक स्थान पर बैठकर, जैसे लाइट हाउस होता है, लाइट हाउस होता है जैसे, है ना, लाइट हाउस क्या करता है कि एक जगह स्थिर है लेकिन उसकी किरणें, उसका प्रकाश दूर दूर तक फैलता है ना। जो समुद्र में शिप्स है उन्हें वो गाइड करता है, कितना भी दूर क्यों ना हो वो उसकी जो किरणें हैं बहुत दूर तक जाती है और सबको गाइड करता है। वैसे हम एक स्थान पर बैठकर अपने किरणों द्वारा हम हर आत्मा को गाइड करें और अपनी शक्तियों द्वारा माइट हाउस बनकर अपनी जो पावर है ना, पावरफुल रेज है हमारे, उसके द्वारा हर आत्मा को हम शक्तियां भी दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम, तो ये है ना कि ये बैठकर हम ऐसा सेवा कर सकते हैं, लेकिन हम अपने कर्मों द्वारा, हाँ क्योंकि हम कर्म भी कर रहे हैं और मनसा सेवा भी हो रही है, तो चलते फिरते आप मास्टर शांति दाता, शक्ति दाता बनकर आप मनसा सेवा कर सकते हैं। हम वॉकिंग कर रहे हैं लेकिन साथ साथ हम अपनी जो वाइब्रेशंस है वो भी फैला रहे हैं, शक्ति के, शांति के, गुणों के वाइब्रेशंस जो भी आसपास वॉकिंग कर रहे हैं उनको भी दे सकते हैं। हम घर पे कुछ काम कर रहे हैं तो हाथों से जो है हमारी कर्मणा सेवा होती रहे और मन से, अपने माइंड से मनसा सेवा होती रहे, जो बाबा ने विधियां बताई है उन विधियों से हम सेवा कर सकते हैं। फिर अगर हम ऐसी सेवा निरंतर करते रहेंगे तो क्या प्रत्यक्ष प्रमाण हमें देखने को मिलेंगे? एक तो है कि हमारे संकल्प इतने पावरफुल हो जाएंगे तो हमें संकल्पों से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, राइट। हम देखते हैं ना कि बहुत सारे जो गुरु लोग हैं ना, जो दुनिया के गुरु लोग हैं, संत महात्माएं हैं, उन्हें लोग कहते हैं कि सतवचन महाराज, जो बोल देते हैं वो सच हो जाता है।
उसी तरह जो हम संकल्प करेंगे वही होगा। इतनी पावर हमारे संकल्पों में आ जाए, या जो होना है वही संकल्प चलेंगे, एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा, जो सोचेंगे वही होगा। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से, जैसे जैसे समय भी बीतता जाएगा, अंत समय करीब आएगा, तो ये हमें देखने को मिलेगा कि जो हम सोच रहे हैं वही होगा। हम बहुत बार देखते हैं ना कि दादियों का हम एग्जाम्पल देखते हैं कि जो बोला वही हो गया, जो सोचा वही हो गया। तो इस तरह हम इतनी पावरफुल हमारे संकल्प हो जाएंगे कि जो सोचेंगे वही होगा। साथ साथ जो आत्माएं हैं, जो विश्व की आत्माएं हैं, वो हमें सम्मुख अनुभव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आज हम बैठे हैं तो साधनों द्वारा हम देख रहे हैं, या फिर हम वीडियो कॉल करते हैं तो हम एक दूसरे को सामने देखते हैं, वैसे उन्हें लगेगा कि ये आत्मा हमारे सामने बैठी है, हमें गाइड कर रही है, हमें ज्ञान दे रही है। और हमें भी ऐसा अनुभव होगा कि कोई आत्मा दूर बैठी है लेकिन हमारे सामने है। जैसे हम टीवी में देखते हैं तो जो दुखी अशांत आत्माएं हैं हमारे सामने बैठी है, ऐसे हमें अनुभव होगा कि जैसे हम टीवी में ही देख रहे हैं, सामने ही बैठे हैं। तो ये जो सिद्धि है हम में आ जाएगी। फिर जो है कि बाबा की टचिंग हमें प्राप्त होगी, जैसे बाबा ना जो बाबा हमें बताता है वैसे ही उसी रूप में हमें टच होगा। बाबा तो कहते हैं कि अंत काल में जो बाबा की टचिंग आपको प्राप्त हो, जिसकी लाइन क्लियर है, जिसने मनसा सेवा की प्रैक्टिस की है, उसकी लाइन क्लियर हो जाएगी और बाबा फिर हमें गाइड करेगा, है ना, अंत समय विनाश के समय भी, कि ये सेफ जगह है, आप यहाँ चले जाओ। तो हम सेफ जगह पर जाएंगे और हम विनाश में हमारा अंत नहीं होगा। बाबा कहते हैं कि आप स्व इच्छा से आपका शरीर छोड़ेंगे। हम देखते हैं ना कि दादियों में भी ये पावर थी। अभी एग्जाम्पल ले तो दादी प्रकाशमणि जी, उन्हें ये एक उनकी हैबिट थी ना, उनका ये विधि थी कि जब भी वो बाहर निकलती, वो सेवा के लिए जा रहे मधुबन के बाहर, तो बाबा के रूम में जाकर बाबा से आज्ञा लेकर वो दादी जी जाते थे। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि दादी जी को कहाँ जाना था, बाबा के कमरे में गए लेकिन बहुत समय तक बाहर नहीं आए, और बाहर बाद में आए तो उन्होंने कहा कि नहीं ये कैंसिल, आज जाना नहीं है। तो सबको आश्चर्य लगा, पूरी तैयारी हो चुकी थी, गाड़ी बाहर खड़ी थी, लेकिन फिर भी दादी नहीं गए। बाद में मालूम हुआ कि उस रोड पर एक्सीडेंट हुआ है, अगर जाते भी तो पहुंच नहीं पाते। तो इतनी हमारी पावर जो है बढ़ जाएगी कि बाबा के संकल्प हम कैच कर सकेंगे। इसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है लेकिन समय की कमी है, तो हम देखते हैं ना कि और भी क्या क्या हमें सिद्धि आएगी। तो एक तो है कि आत्माएं परिवर्तन हो जाएगी, प्रकृति भी परिवर्तन हो जाएगी धीरे धीरे धीरे। और जब हम विश्व सेवा के लिए निकलेंगे, है ना, फरिश्ता बनकर, तो हरेक को, क्योंकि हमारा जो शरीर है ये फरिश्ता स्वरूप, तो हम निकलेंगे तो हरेक को अनुभव होगा कि कुछ लाइट आए। जैसे हम देखते हैं ना फ्लाइंग सॉसर को, तो देखते हैं कि फ्लाइंग सॉसर अर्थात उड़न तश्तरी, कुछ समय के लिए आकाश में दिखती है लाइट, बाद में गायब हो जाती है। तो विश्व की आत्माओं को ये अनुभव होगा कि एक लाइट आई, एक फरिश्ता आया और मुझे अद्भुत अनुभव करा के गया। तो ऐसा उनको प्रतीत होगा, उनको दिखेगा, विश्व के सामने हम प्रत्यक्ष होंगे, उन्हें लगेगा कि ये कौन फरिश्ते हैं जो यहां चक्र लगाने आते हैं, कौन फरिश्ते हैं जो हमें शक्ति देते हैं, ये कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं, ये उन्हें अनुभव होगा, ये प्रत्यक्ष रूप में उन्हें दिखेगा। क्योंकि हम कहते हैं ना कि हम अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करें, बाबा कहते हैं, तो अंतवाहक शरीर अर्थात हमारी जो अंतिम अवस्था है
हमारी जो अंतिम अवस्था है कर्मातिस्थिति, उस समय हमारा जो शरीर जो है हमें फील ही नहीं होगा, ये जैसे अनुभव हुआ कि लाइट का है और उस लाइट के शरीर द्वारा हम विश्व भ्रमण करेंगे। तो लोगों को जिनको हमने देखा नहीं है, जिनको हम मिले भी नहीं लाइफ में कभी, वो भी आकर कहेंगे कि हमको आप मिले थे, है ना, आपने हमें बुलाया था और हम आए, आपने हमें संदेश दिया और हम आए, है ना, आपने हमें बहुत अच्छा रास्ता दिखाया, आपने हमें ठिकाना दिया, ये लोग कहेंगे। लेकिन ये कब होगा? जब मीन्स अब हम ये प्रैक्टिस करेंगे, हम ये अनुभव करेंगे, मनसा सेवा करेंगे हर आत्मा की अपने फरिश्ता स्वरूप द्वारा, अपने अंतवाहक शरीर जो है हमारा, ऐसा अनुभव करना है हमें कि मेरी कर्मातीत अवस्था है, ये शरीर जैसे गायब हो गया है और मैं लाइट के स्वरूप के साथ, ना लाइट का जो मेरा शरीर है अंतवाहक शरीर, उसके द्वारा मैं भ्रमण कर रहा हूँ। ये भी हमें प्रैक्टिस अब जब हम करेंगे तो बाद में अंत में लोगों को ये साक्षात्कार होंगे, ये उन्हें प्रत्यक्ष प्रमाण जो है हमें भी देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से अगर हम मनसा सेवा करते हैं तो एक तो हम खुद भी शक्तिशाली बनते हैं, क्योंकि हम दे रहे लोगों को तो हमें मिल भी रही है, और फिर बाबा की सेवा भी है, विश्व परिवर्तन की सेवा है, हम कर सकते हैं। तो अब हम उस समय के लिए जो ये जो प्रयोग जो हमने देखे उसमें से सब तो नहीं हो पाएगा, शॉर्ट शॉर्ट हम कुछ करेंगे। और मुझे एक्चुअली मैसेज आया है कि आज कुछ क्वेश्चंस भी लेने हैं, तो मेरा सजेशन रहेगा कि जो हमारा लास्ट सेशन है उसमें अगर हम लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा हटके है, जो ज्ञान योग है वो तो है ही, उसमें हम कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस देखने वाले हैं, मेडिकल साइंस भी, तो उसमें हम लास्ट में ये क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आज हम मनसा सेवा के प्रयोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम जहां बैठे हैं उस स्थान का जो वायुमंडल है उसे हम पावरफुल बनाएंगे। तो जो भी आत्माएं इस स्थान पर आएगी वो शांति की शक्ति की अनुभूति करेगी, या उसे परमात्मा अनुभूतियां होगी। तो आप जहां बैठे हैं ना, घर पर बैठे हैं, रूम में बैठे हैं, सेवा केंद्र पर बैठे हैं, सेंटर पर बैठे हैं, तो वहां हम ये अनुभव करें। एकाग्र होकर आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए, अपने मन में परमात्मा मिलन का संकल्प करें। अनुभव करें, मेरा संकल्प परमधाम निवासी बाबा तक पहुंचते ही ज्ञान सूर्य बाबा सूक्ष्म वतन आकर लाइट रूपी ब्रह्मा रथ पर विराजमान होकर नीचे साकार वतन आ जाते हैं। देखेंगे सर्वशक्तिवान बाप दादा को अपने घर में, अपने बिल्कुल सामने। देखेंगे बाबा का दिव्य तेजोमय रूप, बाबा से निकलता दिव्य प्रकाश पूरे घर में फैल रहा है।
घर का कोना कोना दिव्य प्रकाश से चमकने लगा है। पूरा ही घर दिव्य प्रकाश से भर गया है। ये घर, ये सेवा स्थान जैसे लाइट का अभेद्य किला बन गया है। जिसमें कोई भी तमोगुणी व्यक्ति व प्रकृति के तमोगुणी वाइब्रेशंस अंदर आ नहीं सकते। अनुभव करेंगे बाप दादा की पवित्र दृष्टि, घर के हर सदस्य पर पड़ रही है। बाबा हर एक को बहुत ही पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। परिवार का हर एक सदस्य शांति, शक्ति और पवित्रता से भरपूर हो रहा है। शक्तिशाली बनते जा रहा है। बाबा की अलौकिक दृष्टि घर के हर एक वस्तु पर पड़ने से हर एक वस्तु अलौकिक बन गई है। घर का पूरा ही वायुमंडल बहुत शक्तिशाली, शांत और पवित्र बन गया है। अब जो भी व्यक्ति मेरे घर के नजदीक से गुजरता है उसे शांति, शक्ति और पवित्रता के वाइब्रेशंस फील होते हैं। जो आत्मा घर के अंदर प्रवेश करती है, घर में एंटर करते ही उसके सारे व्यर्थ संकल्प सेकंड में समाप्त हो जाते हैं। उसे सुखद शांति की अनुभूति होती है। उसे सब कुछ दिव्य नजर आता है। उसे मेरे घर में परमात्मा के अस्तित्व की अनुभूति होती है। शांति।
तो इस तरह से अगर हम अपने स्थान का वायुमंडल पावरफुल बनाते हैं तो हमारे द्वारा ऑटोमेटिक सेवा हो जाती है। स्थान पर वहां जो भी आएगा उसे वो अनुभूति होगी। फिर अब हम एक और प्रयोग करेंगे मनसा सेवा का, कि आपके सम्मान संपर्क वाली आत्मा है, भले बहुत दूर है लेकिन आपको ऐसे दिल से लगता है कि इसे बाबा का संदेश मिल जाए, तो उसे हमें संदेश कैसे देना है उसका प्रयोग अब हम करेंगे। ठीक है, फिर से अपने मन को एकाग्र कर लें, अपने मन की स्क्रीन पर देखें उस आत्मा को, जिसे आपको बाबा का संदेश देना है। देखे, ये आत्मा परमात्मा का बच्चा है, देवकुल की आत्मा है, लेकिन देहभान के कारण, देह अभिमान के कारण, माया के प्रभाव के कारण इस आत्मा के बुद्धि को लॉक लगा हुआ है। और यह आत्मा परमात्मा प्राप्तियों से वंचित है। अब अनुभव करेंगे मेरा माइंड एक वायरलेस सेट है, मैं अपने संकल्प शक्ति द्वारा उस आत्मा को सेकंड में बाबा का संदेश दे सकता हूं। अनुभव करेंगे परमधाम निवासी बाबा की शक्तियां मुझ में समाकर उस आत्मा तक पहुंच रही है। इन परमात्मा शक्तियों से उस आत्मा का मन परिवर्तन हो रहा है। उसके मन में परमात्मा मिलन की, परमात्मा ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा उत्पन्न हो रही है। उसका अहम वहम समाप्त हो गया है। और वो आत्मा बाबा के स्थान पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहुंच गई है। अपने आंखों के सामने विजन बनाएंगे कि वो आत्मा बहुत ही एकाग्रता से बाबा का ज्ञान सुन रही है। बाबा का ज्ञान बुद्धि में समा रही है। और पक्की बाबा की स्नेही बन गई है।
उसने अपना जीवन बाबा को दे दिया है। ओम शांति। तो इस तरह से अगर हम निरंतर प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन कुछ समय के लिए, ऐसे नहीं कि बीच बीच में, है ना, कंटिन्यूस आपका पीरियड कम से कम, अगर कहते हैं ना 21 दिन, तो 7 डेज का कोर्स है उसमें भी साइंस है, 21 दिन का है उसमें भी साइंस है। अभी इतना समय नहीं है उसके उसके बारे में बोलने के लिए, लेकिन हमें निरंतर वो अभ्यास करना है और करते रहना है। अगर हम करते रहेंगे, हमारे मार्क्स तो जमा हो रहे हैं ना, हमारे मार्क्स जमा हो रहे हैं, हमें शक्तियां प्राप्त हो रही और वो आत्मा भी परिवर्तन हो रही, ठीक है। तो अब आज तो हम बहुत शॉर्ट शॉर्ट देख रहे हैं एक्चुअली अभ्यास, तो हम अभी लास्ट एक अभ्यास देखेंगे। तो मनसा सेवा द्वारा अंतिम समय में बाबा की प्रत्यक्षता कैसे होगी, हमारी प्रत्यक्षता कैसे होगी, ये हम अब विजन बनाएंगे, अनुभव करें कि देहभान रूपी मिट्टी वाली ड्रेस उतार कर मैंने लाइट रूपी ड्रेस पहन ली है। बहुत चमकीली लाइट रूपी ड्रेस पहनकर, डबल लाइट बनकर, अब मैं फरिश्ता उठ चलता हूं इस देह की दुनिया से पार। लाइट के स्पीड से उड़ते हुए पहुंच जाए अपने अव्यक्त वतन। चारों ओर सफेद चांदनी सा प्रकाश ही प्रकाश, जैसे पूनम के हजारों चांद एक साथ निकल आए हो। चहुओ अव्यक्त वायुमंडल, डीप साइलेंस, ये फरिश्तों की दुनिया है, अनुभव करेंगे हम सभी फरिश्ते अब अव्यक्त वतन में है। और बीच में है फरिश्तों के बादशाह बाप दादा, बाबा की शक्तिशाली दृष्टि हम सभी फरिश्तों पर पड़ रही है। अनुभव करें परमात्म शक्तियों का, परमात्म स्नेह का, परमात्म समीपता का।
बाबा से सर्व शक्तियां प्राप्त करके स्वयं में समा ले। अनुभव करे बाप दादा अपनी वरदानी दृष्टि द्वारा हम सभी फरिश्तों को वरदान दे रहे हैं। बच्चे विश्व कल्याणकारी भव, विश्व परिवर्तक भव, बाबा हमें कह रहे हैं बच्चे तुम इस जगत के लिए प्रकाश की एक किरण हो। इस संसार के लिए शक्ति हो। तुम लाइट हाउस माइट हाउस हो। तुम्हें अपने शक्तिशाली वाइब्रेशन से और कल्याण की वृद्धि से सारे जगत को शक्ति देनी है। पूरे विश्व को शांत करना है। विश्व परिवर्तक हो। अब विश्व परिवर्तन का संकल्प मन में लिए बाबा से आज्ञा लेकर धीरे धीरे अव्यक्त वतन से नीचे आ जाए। देखे हम सब फरिश्ते विश्व के आकाश में चमक रहे हैं। अवतरित हो जाए सृष्टि के ग्लोब पर। देखे पूरे विश्व को, सारी विश्व की आत्माएं दुखी अशांत बीमार परेशान है। मुझे इन आत्माओं को दुख अशांति और परेशानियों से छुड़ाना है। पूरे विश्व को परिवर्तन करना है। अब देखेंगे हम सब फरिश्तों से निकलते शक्तिशाली वाइब्रेशंस पूरे विश्व के वायुमंडल को परिवर्तन कर रहे हैं। पूरे विश्व का वायुमंडल बहुत ही शक्तिशाली बन गया है। अब हम फरिश्ते विश्व की आत्माओं तक पहुंचकर उन्हें
सुख शांति की अंजलि दे रहे हैं। अपने पावरफुल वाइब्रेशंस द्वारा उन्हें सुख शांति प्रदान कर रहे हैं। अपनी सर्व शक्तियां वरदान के रूप में दे रहे हैं। अब हम सब फरिश्तों की संगठित रूप की मनसा सेवा से सभी आत्माएं दुख अशांति से मुक्त हो गई है। बेहद का विश्व परिवर्तन हो गया है। हम सब फरिश्तों को देखकर विश्व में ये चर्चा बढ़ रही है कि ये कौन फरिश्ते हैं जो यहां चक्र लगाने आते हैं। मुझ फरिश्ते द्वारा विश्व की आत्माओं को ये अनुभूति हो रही है कि एक शक्तिशाली लाइट आई, फरिश्ता आया और मुझे अद्भुत अनुभव करा के गया। हम सभी फरिश्तों को देखकर विश्व की आत्माएं कह रही है कि ये कौन फरिश्ते हैं, ये कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं। ये कौन फरिश्ते हैं जो हम में शक्तियां भर के जाते हैं। विश्व की आत्माएं हमें ढूंढ रही है। वो ढूंढते ढूंढते बाबा के स्थान पर आ चुकी है। उन्हें सत्य परमात्मा ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और वो बाबा की बन चुकी है। मैं फरिश्ता इन सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा बाबा से दिलाने के लिए निमित्त बनता हूं। अब विश्व सेवा करके पहुंच जाए अपने स्थान पर, अनुभव करे मेरा लाइट रूपी शरीर इस स्थूल शरीर में मौज हो रहा है। मुझसे शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही है।
शांति। तो इस तरह से अगर हम मनसा सेवा करते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, तो ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो सिद्धियां है, हमें निश्चित तौर पर मिल ही जाएगी, क्योंकि ये स्वयं परमात्मा के महावाक्य है, तो इन्हें सच तो होना ही है। ओम शांति।